एक अश्वस्थामा। अनेक किंवदंतियां। किंवदंतियों में छिपी हैरान कर देने वाली सच्चाई, ऐसी सच्चाई जो समय के सीने में गौरव ध्वज बनकर लहरा रही है। जी हां, एक ऐसी सच्चाई जो जुड़ी है द्वापर युग से। असीरगढ़ का ये किला राजदार है पौराणिक रहस्य का। इस खामोश वादी में हर रोज कोई आता है, कोई घूमता है इस वीराने में, कोई चप्पे चप्पे से वाकिफ है इस धरती के। वो खामोशी के साथ आता है और चुपके से चला जाता है, कोई देख नहीं पाता उसे, कोई नहीं जान पाता उसके वजूद की सच्चाई। लेकिन वो हर रोज अपने होने का एहसास कराता है, वो हर रोज अपनी मौजूदगी की निशानी छोड़ जाता है। कौन है वो, क्यों आता है वो, क्यों छिप कर रहता है वो, सवाल इतने लेकिन जवाब एक भी नहीं। आज दीवारें बोलेंगी, आज मीनार बोलेगी, आज असीरगढ़ खुद बोलेगा अपना सबसे बड़ा राज। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, धरोहर में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की खास पेशकश है असीरगढ़ में अश्वत्थामा। जी हां, गुरु द्रोण के पुत्र वीर अश्वत्थामा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमर है, शापित है और आज भी भटक रहा है। आखिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले से अश्वत्थामा का क्या रिश्ता है, आइए उठाते हैं इस राज से पर्दा, जिसके रहस्यों को जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं असीरगढ़ के उन घने जंगलों में, जहां दफन है पौराणिक चरित्र अश्वत्थामा की कई दास्तानें, जहां मौजूद है द्वापर युग के पदचिन्ह, जहां छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो आपको यकीनन हैरान कर देगी। असीरगढ़ में कौन आता है हर रोज, गुमनामी की चादर ओढ़कर कौन लिख जाता है यहाँ रहस्य की इबारत। इस सवाल के जवाब जानने के लिए आपको लौटना होगा पीछे, बहुत पीछे, सदियों पीछे। द्वापर युग में यहाँ के लोग, यहाँ की हवाएं, यहाँ के पत्ते बूटे सब ये कहते हैं कि इन वादियों में घूमने वाला वो रहस्यमय साया कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा का है। जी हाँ, द्रोण वीर अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा के बारे में ये मान्यता है कि वो अमर है, हालांकि महाभारत के महासमर के बाद वो कहाँ गए इसका कोई जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है। आज तक किसी ने ना तो देखा और ना ही जान पाया है। महाभारत की कथा के मुताबिक जब कौरवों की हार से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, तो इसके बाद सजा के तौर पर श्री कृष्ण ने उनके माथे पर जड़ी अनमोल मणि निकाल ली थी, जिससे वहां पर घाव बन गया। कहते हैं कि आज भी वो घाव भरा नहीं है। कहा ये भी जाता है कि अश्वत्थामा उस घाव के दर्द से व्याकुल होकर आज भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कहते हैं कि सदियों से असीरगढ़ अश्वत्थामा की आस्था का केंद्र बना हुआ है।
ये भी कहते हैं कि इस पावन धरती पर अश्वत्थामा की आराधना जारी है। कहना गलत नहीं होगा कि ये जंगल ही अश्वत्थामा की आश्रय स्थली बन गए हैं। ये खंडहर ही उसके घर है। इन पगडंडियों पर अश्वत्थामा के कदमों के निशान मिलते हैं। ये निशानियां अश्वत्थामा की पहचान तो बताती है, लेकिन उसके वजूद के इर्द गिर्द बुने रहस्यों को हटा नहीं पाती है निशानियां। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। असीरगढ़ में इतिहास बोलता है। यहाँ का किला अतीत की गवाही देता है, गवाही अश्वत्थामा की मौजूदगी की। असीरगढ़ का मायावी संसार खुद भी रहस्यों का पिटारा है। इस पिटारे में अश्वत्थामा से जुड़े कई हैरतअंगेज किस्से भी हैं। यह है असीरगढ़ का माया लोक। इसे रहस्यों का किला भी कहा जा सकता है। इस किले से जुड़ा एक रहस्य है जिससे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। दरअसल यहां एक शिव मंदिर है, जहां स्थापित शिवलिंग पर हर रोज गुलाब का एक ताजा फूल रखा मिलता है। यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस फूल को यहां कौन रख जाता है। इसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन इस रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर इस शिवलिंग पर गुलाब कौन रख कर जाता है। एक किंवदंती है जो गुलाब के फूल के इस रहस्य से पर्दा उठाती है। असीरगढ़ में फांसी घर मौजूद है और इसी से लगी है एक बावड़ी। किंवदंती के मुताबिक द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा इस बावड़ी में ब्रह्म काल में स्नान कर शिव जी की आराधना करते थे और वो पूजा अर्चना कर गुलाब का फूल शिवलिंग को समर्पित करते थे। कहते हैं द्वापर युग की वो परंपरा आज तक जारी है। हर सुबह शिव जी को गुलाब फूल अर्पित करने वाले कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही हैं। आश्चर्य लेकिन सच ये है कि साल के हर दिन सुबह यहाँ गुलाब का फूल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता है। वो महाभारत काल के समय से जो मान्यता है उसके हिसाब से वहाँ आसीरेश्वर का मंदिर भी है, जहाँ पे हम लोगों की अजर अमर मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा आज भी वहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। भारत के 5 शिवालयों में अश्वत्थामा जाते हैं, जिसमें से आसीरेश्वर का शिवालय जो है वो एक है। अश्वत्थामा यहाँ आता है तो अश्वत्थामा आता है या नहीं आता है ये कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रखता, लेकिन उससे हमको ये समझ में आता है कि ये महाभारत काल से इस किले को हम जोड़ सकते हैं। IBC 24 की टीम ने भी गुलाब फूल के इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। हमारी टीम सुबह 5 बजे सूर्य की पहली किरण के साथ ही किले में दाखिल हुई तो पाया कि प्राचीन शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ा हुआ था। हकीकत सामने थी जिस पर यकीन करना ही था। आज भले ही सन्नाटे यहां सरगोशियां कर रही हो, लेकिन आज भी यहां आश्चर्य का बाजार सजता है। इस अचंभा लोक में अश्वत्थामा की परछाइयां तैरती हैं। जी हां, द्वापर का वो महान योद्धा, द्रोण का वो विद्रोही बेटा अश्वत्थामा, युगों युगों से गुलाब का फूल अर्पित कर महादेव को प्रसन्न करने का हठ ठाने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अश्वत्थामा का सबसे गहरा नाता रहा है असीरगढ़ में स्थित प्राचीन शिव मंदिर से। ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही चमत्कारिक भी है। मंदिर की दिव्यता सूर्य की किरणों को भी आकर्षित करती है और यही वजह है कि असीरगढ़ में पहुंचने वाली सूर्य की किरणें सबसे पहले मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर ही पड़ती है।
सूर्य की किरणें जब असीरगढ़ के जंगलों में पहुंचती हैं, तो सबसे पहले वो इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग के दर्शन करती हैं। शिवलिंग के स्पर्श मात्र से किरणों की दिव्यता बढ़ जाती है। वीराने में मौजूद ये शिव मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां मशहूर हैं। अश्वत्थामा की यादों से जुड़ा ये मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन जर्जर हो गए इन दीवारों में श्रद्धा का अलख आज भी जगता है। ये मंदिर इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये बताता है कि आज भी अश्वत्थामा असीरगढ़ के जंगलों में जिंदा भटक रहा है। दुबई से यहाँ आया हूँ, अभी मैं किताब लिख रहा हूँ, 8 अमर लोग ? है उसके बाद, और उसमें 8 अमर लोग में एक नाम अश्वत्थामा भी है। किले में स्थित इस मंदिर की खूबियां देखते ही बनती हैं। भले ही असीरगढ़ अब गुमनामी में बसर करता है, लेकिन यह मंदिर अब भी चहल पहल से भरा पूरा रहता है। इस मंदिर की दिव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ सूरज की पहली किरण सबसे पहले किले में शिवलिंग पर ही दस्तक देती है। यही वो छिद्र है जिसके जरिए सूर्य की किरणें शिवलिंग तक सबसे पहले पहुंचती हैं। इसे मंदिर के स्थापत्य की विशेषता ही कहेंगे कि इस दुर्लभ छिद्र के जरिए सूर्य की किरणें शिवलिंग तक पहुंचती हैं। मंदिर के ध्वज पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वहां का मौसम देखते ही बनता है। सदियों से मंदिर में वीरानगी पसरी हुई है, जिसके चलते मंदिर में चमगादड़ों ने बसेरा बना लिया है। लेकिन भक्तों के आते ही अपने आप चले जाते हैं चमगादड़। अद्भुत स्थापत्य, दिव्य अनुभूतियों और चमत्कार की कहानियों वाला ये मंदिर अगर आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, तो इसलिए क्योंकि ये हजारों सालों से अश्वत्थामा की यादों की धरोहर संभाले बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। असीरगढ़ में अश्वत्थामा एक पहेली बन गया है। वो यहाँ के जंगलों में गुमनाम है, हमेशा नजरों से ओझल रहता है, फिर भी कई लोग उसे देखने का दावा करते हैं। कई लोगों का दावा है कि आज भी अश्वत्थामा तेल और बासी रोटी मांगने के लिए आता है। क्या अश्वत्थामा सचमुच जिंदा है? क्या वो इन जंगलों में भटक रहा है? क्या वो लोगों से तेल और बासी रोटी मांगता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश हर किसी को है। दरअसल शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाने के रहस्य ने इन सवालों को जन्म दे दिया है। न किसी ने अश्वत्थामा को देखा है और न ही उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी है। फिर भी अश्वत्थामा यहाँ के लोगों के लिए बड़ी पहेली बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा मंदिर के बगल में बनी बावड़ी में स्नान कर अंधेरे में ही पूजा कर विलुप्त हो जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक भी अश्वत्थामा से मिलने का दावा करते हैं। उनके मुताबिक अश्वत्थामा ने उन्हें अलग अलग रूपों में दर्शन दिए हैं। कुछ का कहना है कि अश्वत्थामा तेल और बासी यानी रोटी मांगता है। हम लोगों ने जैसे ही प्रवेश किया तो शिवालय पूरा झाड़ झटक करके साफ था,
लेकिन न तो उसमें कोई अक्षत थी, न कोई त्रिपुटी थी, न कोई धूप थी, न कोई दीप था, लेकिन एक सिर्फ एक ताज़ा फूल चढ़ा हुआ था। वो ताज़ा फूल आज भी मेरे जेहन में वैसा के वैसा ही है, लेकिन मैंने उस फूल को, मैंने आज तक अपने इस क्षेत्र में तो क्या जहाँ कहीं भी गया हूँ उस प्रकार के फूल को मैं नहीं देख पाया हूँ। हमने एक शक्कर देखा था, खाकी साधु के देश में देखा था, बस मेरे पास में होके निकल गया वो। मैंने उसको पैर हाथ नहीं देखा, खाली कपड़ा देखा था। मेरे सिर पे वजन होता, मेरे को देखने में नहीं आया। 30-40 साल हो गई है। वो आते भोले शंकर का मंदिर में आते है, वहाँ जाके भी देखा। 5 बजे जाओ तो वो फूल मालूम पड़ता है और पानी डाले मालूम पड़ता है। स्थानीय लोगों में ये धारणा है कि अश्वत्थामा का आकार काफी विशाल है। कई लोग उसे हाथी जैसा बताते हैं। कहते हैं विशाल काया होने के कारण अश्वत्थामा के पैरों के निशान पत्थरों पर भी उभर जाते हैं। असीरगढ़ से अश्वत्थामा का वजूद इस कदर जुड़ा हुआ है कि इस किले का जिक्र होते ही सबसे पहले याद आ जाता है अश्वत्थामा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वैसे असीरगढ़ का किला बेमिसाल है और मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के नजदीक। ये किला अपनी वास्तु योजना और रहस्यों के लिए जाना जाता है। आज हम इसके किले के हर राज, हर निशानी से आपको रूबरू कराएंगे। किले में दफन हैं कई दास्तानें, दास्तां राजे रजवाड़ों की, सम्राटों की, बादशाहों और शहंशाहों की। युग बदले, सदियां गुजरी, लेकिन इन दीवारों ने अपनी शक्लो सूरत नहीं बदली। इस किले ने अपनी तासीर और तस्वीर नहीं बदलनी। बुरहानपुर के पास सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर आबाद है असीरगढ़ किला। किले के भीतर आमतौर पर अंधेरा छाया रहता है, लेकिन उसी अंधेरे के दरमियान बसा हुआ है सुनहरा अतीत। किले की इन सीढ़ियों पर कदम रखते ही शुरू होता है इतिहास का रोमांचक सफर। ये पगडंडियां गाइड हैं अतीत की, ये आपकी उंगलियां थामकर आपको पहुंचा देती हैं असीरगढ़ के मायालोक में। असीरगढ़ का किला 3 भागों में निर्मित है। इसके ऊपर का भाग असीरगढ़, बीच का भाग कमरगढ़ और निचला भाग मलयगढ़ कहलाता है। किले के अंदर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक सीढ़ीदार रास्ता जिसमें करीब 800 से 1000 सीढ़ियां हैं, और दूसरा रास्ता पगडंडियों वाला है। जैसे ही ये रास्ता खत्म होता है, दिखाई देता है किले का भव्य द्वार। इसे भूतिया दरवाजा भी कहा जाता है। दरवाजे के ठीक सामने एक बड़ी काली चट्टान है जिस पर अकबर, औरंगजेब और शाहजहां से जुड़ी लेख फारसी भाषा में अंकित है। काली चट्टान के पास ही एक कमान के आकार का दरवाजा भी है। इसे किले के सूबेदार राजगोपाल दास ने बनवाया था। असीरगढ़ किले में मौजूद इन ऐतिहासिक तोपों ने न जाने कितने गोले छोड़े हों। कमाल की बात यह है कि आज भी ये बिल्कुल मुस्तैद नजर आता है। अतीत का ये आंगन अब उजाड़ हो गया है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में ये परेड ग्राउंड हुआ करती थी। यह मुगलों के काल में टकसाल हुआ करता था, जो कि अंग्रेजी दौर में जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। किले परिसर में ही एक तालाब भी है।
इस तालाब से जुड़ी कई कहानियां कही और सुनी जाती रही हैं। इसे मामा भांजा तालाब कहा जाता है। कहते हैं कि पत्थरों को तरासते वक्त एक चट्टान धस जाने से मामा और भांजे इसी तालाब में समा गए थे और तब से इस तालाब का ये नाम पड़ गया। और ये है रानी महल। लोहारी पत्थरों से बना ये महल अब जीर्ण हो चुका है। असीरगढ़ किले में नागरिक सुविधाओं का उम्दा इंतजाम था। पहाड़ के शिखर पर मौजूद इस किले में खास तकनीक से पानी सप्लाई की जाती थी। पानी सप्लाई के लिए पूरे किले में खास तरीके से पाइपलाइन बिछाई गई थी। ये पाइपलाइन आज भी किले की शानदार वास्तु योजना की गवाह बनकर यहाँ मौजूद है। असीरगढ़ किले के विशाल दायरे में आप जहाँ भी जाएं, सुरुचिपूर्ण निर्माण और योजनाबद्ध विकास की झलक साफ नजर आती है। यही वजह है कि पुराने दौर में इस किले को हथियाने के लिए बेताब रहता था हर शासक। असीरगढ़ किले को किसने बनवाया, इस किले पर अब तक किन किन राजवंशों ने शासन किया है, बेहद दिलचस्प रहा है असीरगढ़ का अब तक का सफर। तो आइए सुनते हैं असीरगढ़ के अतीत की कहानी। रहस्यों के किले में स्वागत है आपका। आज भले ही सन्नाटे यहां सरगोशियां कर रहे हों, लेकिन गुजरे कल में यहां ऐश्वर्य का माया बाजार सजता था। आज भी यहां का सन्नाटा अपने अंतस में उस दौर की तस्वीरों को समेटे बैठा है। इस किले को बाब दखन और कलोद दखन जैसे नामों से पुकारा जाता है। कहते हैं इस किले पर फतह पाने के बाद दक्षिण भारत का दरवाजा खुल जाता था, यानी इस किले का विजेता संपूर्ण खान देश का अधिपति बन जाता था। सचमुच बड़ा समृद्ध इतिहास है असीरगढ़ किले का। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण आशा अहीर नाम के शख्स ने करवाया था। आशा अहीर के पास हजारों की तादाद में पशु थे। उनकी हिफाजत के लिए उसे एक महफूज जगह की जरूरत थी। 8वीं शताब्दी में जब आशा अहीर यहाँ आया, तब यहाँ हजरत नुमान चिश्ती नाम के एक तेजस्वी सूफी संत निवास किया करते थे। आशा अहीर ने सूफी संत से गुजारिश की कि वो उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दें। सूफी संत से इजाजत मिलने के बाद आशा अहीर ने ईंट, चूना और पत्थरों की दीवारें बनवाई। बाद में वही निर्माण किला असीरगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। अजय किला इसलिए कहा जाता है कि यह समुद्र तल से 650 फीट ऊपर है लगभग, और ये इतना ऊपर होने के कारण युद्ध शास्त्र की दृष्टि से यह किला बहुत महत्वपूर्ण है। और जब अकबर मांडू की जीत करके यहाँ आए थे बुरहानपुर को जीतने के लिए, तो उन्होंने 6 महीने तक असीरगढ़ के किले के बाहर डेरा डाल के पड़े रहे थे, इसलिए कि ये इस किले को जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। बुरहानपुर जो है दक्षिण का दरवाजा कहलाता है। देखिए असीरगढ़ का किला जो है वो है वंश का किला है। राजा असीर जो कि है वंश के आगे के परिचायक थे, जिस प्रकार से यदुवंश के सातवें परिचायक श्री कृष्ण भगवान थे, उसी प्रकार से है वंश के जो परिचायक थे वो आसिर थे। उनके नाम पर बसा हुआ ये गढ़ आसिरगढ़। आसिरगढ़ के अंदर जो है वो काफ़ी सारी खूबियां हैं। अजय दुर्ग भारत के 7 अजय दुर्ग माने जाते हैं, उन 7 अजय दुर्गों में से एक अजय दुर्ग है आसिरगढ़। कुछ समय के लिए इस किले पर चौहान वंश के राजाओं का आधिपत्य रहा। किले की ख्याति सुनकर फिरोज शाह तुगलक के सिपाही का पुत्र नसीर खान फारूकी बुरहानपुर आया। उसने आशा अहीर से मुलाकात कर किले में पनाह देने की गुजारिश की। आशा अहीर ने नसीर पर भरोसा किया और किले में रहने की इजाजत दे दी। नसीर खान ने पहले तो कुछ डोलियों में महिलाओं और बच्चों को भिजवाया और फिर कुछ में हथियारों से लैस सिपाहियों को भेजा। आशा और उसके पुत्र स्वागत के लिए आए, लेकिन जैसे ही डोलियों ने किले में प्रवेश किया, डोलियों में छिपकर बैठे सिपाहियों ने
आशा अहीर और उसके बेटों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या, नसीर खां का किले पर एक छत्रराज हो गया। इसके बाद बहादुर शाह ने इस किले को अपने कब्जे में लिया। कहते हैं इसी दौरान सम्राट अकबर ने भी असीरगढ़ किले की प्रसिद्धि सुनकर उस पर अधिपत्य जमाने का मन बनाया। लेकिन जैसे इस बात की भनक बहादुर शाह फारूकी को लगी तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए किले में ऐसे चाक चौबंद इंतजाम किए कि 10 साल तक किला घिरा रहने पर बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। जब सम्राट अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण करना शुरू किया तो किले के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तोपों से गोलीबारी हुई लेकिन अकबर को फतह न मिली। आखिरकार उन्होंने बहादुर शाह को विश्वास में लेकर बातचीत के लिए किले के बाहर बुलाया और फिर धोखे से बहादुर शाह को बंदी बना लिया। 17 जनवरी 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किले पर मुगल परचम फहराने लगा। अकबर के शासन के बाद इस किले पर मराठों का अधिकार हुआ। मराठों के पतन के बाद किले में अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ। 1904 ईस्वी में अंग्रेजों की सेना किले में रहने लगी। राज बदले, ताज बदले, राजा भी बदले, लेकिन फिर भी किले के ऐसे कई राज हैं जो अब तक राज हैं। जी हाँ, इस तिलिस्मी किले में अब भी करवट बदल रहे हैं कई हैरतअंगेज राज। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।